जो मेरे दिल को छू गई है। तो आज हमारा वो सौभाग्य है कि दीदी का जो आज का जो टॉपिक है, मजबूर नहीं मजबूत, बढ़िया टॉपिक है। क्योंकि समय अनुसार हम जितना मजबूत बनते जाएंगे तो बाबा जो हमारे में उम्मीदें रखते हैं वो हम पूरी कर पाएंगे। तो दीदी तो हमारे ब्रह्म कुमारी में बहुत बहुत विशेष है। दीदी ने 55 ईयर से भी अधिक इस ईश्वरीय कार्य में अपनी सेवाएं दी हैं। वैसे दीदी दिल्ली में जो राज्य को सेवा केंद्र है उनकी वो मुख्य निमित्त है। वैसे विमेन विंग की वो चेयरपर्सन भी है। राज्य का जो हमारा एजुकेशन विंग है उनके भी जो फाउंडेशन है उनके भी दीदी मेंबर हैं। दीदी ने सारे विश्व में भ्रमण किया है, यूके, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, न्यूजीलैंड, थाईलैंड, सारे देश में जितना मैं समझती हूँ कि दादी ने किया है उतना आपने जरूर किया है। और दीदी रशिया और सोवियत यूनियन की सेवा संभालते हैं। दीदी का एक क्लास में मुझे एक बहुत अच्छी बात लगी कि एक बार दीदी रशिया में क्लास करा रहे थे और दीदी को तो उस समय रशियन आती नहीं थी, तो सामने सभा बैठी थी, कुछ ट्रांसलेशन का प्रॉब्लम था, तो अभी कैसे ज्ञान समझे। तो दीदी ने इशारों से उनको कोर्स कराया। याद है दीदी आपने ये बात शेयर की थी, इशारों से क्या कराया था। तो ऐसी जी दीदी जी की कई बातें हैं जो दिल को छू गई हैं। तो आज हम अगेन बहुत 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 दिल से हम आपको स्वागत करते हैं कि आपने ब्रह्मा बाबा से डायरेक्ट पाला ली है। और मैं समझती हूँ मैं बहुत भाग्यशाली हूँ क्योंकि मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। सो थैंक यू सो मच। हम बहुत बहुत खुशी का विषय है आज कि मुझे परम सौभाग्य मिला आप सबसे दूर बैठे को समीप लाकर मिलने का। मेरे सन्मुख आप बैठे हैं और इतने सन्मुख कि मैं कुर्सी पर बैठी हूँ, आप मेज पर बैठे हैं। बस इतनी दूरी है, जरा भी दूरी नहीं है। एक एक को गले लगाकर भी मिल सकती हूँ, बड़े प्यार से मिल सकती हूँ। सचमुच ईश्वर ने अपने बच्चों को कहाँ कहाँ से ढूंढ निकाला है। मेरी प्यारी हेमा बहन जब मुझे सुना रही थी तो मुझे हेमा की भी याद आती है। इतना प्यारा भाषण करती थी, इतनी सुंदर शब्दों में बोलती थी कि सुनने वाले कई बार ये कहते थे कि ये हमारा विवेकानंद है। तो मुझे भी आता था कि मैं विवेकानंद के साथ ट्रेवल कर रही हूँ। और बहुत प्यार से बोलती थी और हर एक के मन को अट्रैक्ट करती थी। देखने में छोटी आती थी लेकिन बातें बड़ी बड़ी सुनाती थी। तो सचमुच बाबा ने अपने लाल चुने हैं विश्व से, और आप सबको भी सारे विश्व से चुन करके उन्होंने अपना बनाया है। इसलिए मैं स्वयं को बड़ा भाग्यशाली समझती हूँ कि बाबा के चुने हुए रत्नों से मुझे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो मैं बाबा की सबसे पहली एक बात यही सुनाना चाहती हूँ। कुछ दिन हुए बाबा ने महावाक्य उच्चारण किए और बाबा ने यही बात कही कि बच्चे दुनिया सभी ये कहती है कि भगवान एक है, लेकिन एक के बावजूद भी मंदिर मुझ एक का केवल मात्र नहीं, लेकिन मंदिर तो अनेक देवी देवताओं के भी बनाते हैं। और जब अनेक मंदिर बनाते हैं तो सभी को परमात्मा की उपमा देकर के उसी की महिमा करते हुए पूजन करते हैं। तब बाबा ने हम बच्चों को बड़ा सुंदर स्पष्ट किया जो आज तक हम जानते नहीं थे। और बाबा ने हम बच्चों को यही बताया कि बच्चे मैं एक हूं और सर्व आत्माओं का परम पिता हूं, और तुम मेरे बच्चे जो मुझ परमात्मा को मेरे द्वारा पहचान कर मेरे से अपना संबंध जोड़ते हो। और संबंध ही नहीं जोड़ते,
लेकिन जो मैं शिक्षाएं देता हूं यथाशक्ति उन शिक्षाओं को जीवन में धारण करते हुए मेरे बच्चे अन्य आत्माओं को भी अपने तन मन धन अपने विशेषताएं और अपने गुणों से अन्य आत्माओं की सेवा कर उन आत्माओं को मेरा बच्चा बनाने की संपूर्ण कोशिश करते ताकि वे भी पावन बन जाए और पवित्र सृष्टि के अधिकारी बन जाए। यही बाबा की एक इच्छा है कि किसी को ज्ञान सुनाओ, उसे केवल ज्ञानी नहीं बना दो लेकिन उसको मेरा इस कदर बच्चा बना दो कि वो मेरे वर्षे का अधिकारी बन जाए। तब बाबा ने कहा कि जो देवी देवताओं के मंदिर हैं, ये कोई और नहीं थे, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने मेरे द्वारा मुझको पहचाना और मुझ ईश्वर की सेवाओं पर मेरे सहयोगी और मेरे साथी बनकर पुरुषोत्तम संगम युग में चले, जिन्होंने भविष्य देव पद को प्राप्त किया और जिनके द्वापर युग में देवताओं के रूप में मंदिरों में पूजा होती है। वास्तव में ये देवता कोई दूसरे नहीं थे, ये मेरे ही सहयोगी बच्चे। तो मैं ऐसा कहूंगी कि आप और हम सभी अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाकर या अपने जीवन से अन्य आत्माओं के जीवन को श्रेष्ठ बनाने के श्रेष्ठ कार्य में जब तत्पर होते हैं तो जैसे कि हम ईश्वर के सहयोगी बनते और ऐसे सहयोगी बच्चों के मंदिर देवताओं के रूप में बने हुए, वो कोई भगवान नहीं कहलाते लेकिन ईश्वर के सहयोगी बच्चे कहलाते। तो बोलो आप भी ऐसे सहयोगी बच्चे हो ना, क्योंकि सहयोगी का मतलब ये नहीं कि वो केवल मात्र औरों को बाबा का बनाए, लेकिन स्वयं भी बाबा का एक सुंदर बच्चा जिसे बाप के गुण और शक्तियों को धारण किए हुए ऐसा बच्चा अगर आप बन जाओ तो आपका जीवन अनेक आत्माओं के लिए प्रेरणा स्त्रोत्र बन जाएगा। तो ये बच्चे वो हैं जिनको देवताओं के रूप में मंदिरों में पूजते हैं। अब पहले हम मंदिरों में जाते थे, समझते थे सब भगवान के रूप है, भगवान ने भिन्न भिन्न स्वरूप लिए। अब पता चला कि परम आत्मा तो एक दिव्य ज्योति स्वरूप है जो हम सर्व आत्माओं की पिता है, लेकिन उन्होंने हम बच्चों को अपना बच्चा बनाकर अपने कर्तव्य में जब तत्पर किया तो हम ईश्वर के सहयोगी और साथी बच्चे बने। इसलिए बाबा हमेशा कहता है बच्चे तुम मजबूत बनो, क्योंकि तुम मजबूत थे जब मेरे घर से इस साकार सृष्टि मंच पर आए, तो तुम संपूर्ण पवित्र आत्माएं थी, गुणों से संपन्न खजाना था आपके पास। ऐसी खजाना संपन्न आत्माएं जब इस सृष्टि पर साकार हुए तो सृष्टि स्वर्ग कहलाई, देव भूमि कहलाई। उस देव भूमि के वासी मेरे बच्चे धीरे धीरे इस सृष्टि के चक्र के अनुकूल अपनी देव स्थिति से जब नीचे उतरते चले गए तो पूज्य से पुजारी बने और पुजारी से विकारी बने। इस पुरुषोत्तम संगम युग में विकारी से उन्हें पूज्य बनने के पुरुषार्थ में सब बच्चे तत्पर हुए। ये ईश्वर हम बच्चों को केवल ज्ञान नहीं सुनाता, वो हमको ज्ञानमय ज्ञान का स्वरूप बनाना चाहता है। ज्ञान का मतलब क्या है? हमको याद आता है जब इस विद्यालय का प्रारंभ हुआ तो हमको स्वयं साकार बाबा भी सुनाया करते थे और अपनी आदरणीय दादियां भी सुनाती थी कि
कि उस समय कोई भी अपने पास यज्ञ में आता था तो सबको आत्मिक दृष्टि से देखा जाता था और ऐसा देखते थे कि सब आत्माएं मेरी अपनी है, ये हमारे अपने बाबा के बच्चे हैं। तो उनको जब अपनेपन का एहसास होता था, ये रियलाइज होता था कि हम भगवान के हैं, तो जैसे कि एक परिवार के अंदर एक संगठन बनता चला गया। और उस समय मुख से शब्द नहीं बोलते थे, केवल दृष्टि देकर एक दो को देखते और मस्तक में विराजित आत्मा को ही आत्मा देखते थे, जिससे देह अभिमान स्वयं का तो जाता ही था, लेकिन दूसरे को भी आत्म दृष्टि से देखने से वे भी आत्म स्थिति में स्थिर हो जाते थे और भूल जाते थे देह का भाव। बाबा के सामने बैठने पर उस समय केवल एक ही शब्द का प्रारंभ में उच्चारण होता था और वो शब्द आप सबने अवश्य सुना होगा, ओम की ध्वनि। ये जो ओम की ध्वनि होती थी इतनी शांति देती थी कि लोगों ने इस ओम की ध्वनि के कारण ही इस ईश्वरी विश्वविद्यालय का प्रथम नाम ओम मंडली रख दिया कि ये ओम शब्द कहते हैं, सब शांति में बैठ जाते हैं और हर एक को भिन्न भिन्न प्रकार के एक्सपीरियंस होते हैं। तो कई लोग समझने लगे ये ओम शब्द इनका कोई जादू का शब्द है। धीरे धीरे जब सेवाओं पर बहने भाई निकले तब उस समय बाबा ने कहा कि बच्चे सबकी प्रकृति में चमकता हुआ दिव्य ज्योति स्वरूप देखो, सोया हुआ आत्मा का स्वरूप जगाओ, देह भान के कारण आत्मा अपने ओरिजिनल स्वरूप को विस्मृत हो चुकी, इसलिए आत्मा स्वरूप में स्थित होके सबको आत्मा के रूप में देखो। बस केवल मात्र एक दो से मिलते मस्तक में चमकते हुए आत्मा के स्वरूप को देखते आत्म स्वरूप की स्मृति में स्थित होकर और सबको अपनेपन की भावना स्वयं को भी जागती और जिनको देखते उनको भी ये भावना जागती। कईयों ने ऐसा कहना लग गए कि पता नहीं ये जब देखते हैं तो इनकी आंखों से कुछ जादू लगता है, जो हमको ये ऐसा लगता है ये हमारे अपने हैं और हम इनके हैं। अब वास्तव में वो कोई जादू नहीं था, लेकिन जब मैं अपने निज के स्वरूप में स्थित हूं और उस स्वरूप में अन्य आत्माओं को भी उसी स्वरूप में देखती हूं तो उसकी सोई हुई शक्तियां जागृत होती। और जब लोगों में ये भावना फैलने लग गई कि पता नहीं इनके नैनों में कोई जादू है, ये जब देखते हैं तो जादू लगता है, तब उस समय बाबा ने कहा बच्चे सेवा के क्षेत्र में निकले हो, इसलिए केवल मात्र मस्तक के मध्य नहीं देखो। तो बाबा के बच्चों ने ओम शांति शब्द का उच्चारण करना प्रारंभ कर दिया और जब एक दो से मिलते तो ओम शांति शब्द का उच्चारण करते। वास्तव में ये शब्द का उच्चारण केवल शब्द मात्र नहीं था, ये भी स्वरूप की स्मृति में रहकर दूसरों को भी स्वरूप की स्मृति दिलाने का एक महामंत्र था। लेकिन धीरे धीरे जैसे किसी से मिलते हैं तो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, नमस्ते, राम राम, जो भी शब्द का उच्चारण करना होता है उस शब्दों के उच्चारण के स्थान पर ओम शांति शब्द का उच्चारण प्रारंभ हो गया। वास्तव में ये ओम शांति केवल मात्र शब्द नहीं है, लेकिन बहुत महान इसमें अर्थ समाया है। उस अर्थ में स्थित होकर अन्य आत्मा को भी उसी स्वरूप में स्थिर करना, ये वास्तव में देखा जाए ओम शांति शब्द कहना शुरू हुए।
अब समय आ गया धीरे धीरे दृष्टि देना या ओम शांति शब्द कहना, वो भी शायद थोड़ा दूभर होता जा रहा है। अभी कुछ समय हुआ तो किसी ने आके हमको कहा, दीदी ये जो दृष्टि देते हैं ना, ये भी वास्तव में इस समय कोरोना के पीरियड में दृष्टि देना भी राइट नहीं। हमने कहा इसमें क्या हो गया, तो कहा कि कहते हैं कि दृष्टि द्वारा भी अगर किसी को कोरोना होगा उसका इफेक्ट दूसरे को होने के चांसेस। हमने कहा प्यारे बाबा, हम बच्चों को वचन से भी ऊपर ले जाना चाहते, पहले कम से कम एक दो को दृष्टि देते हुए आत्म स्मृति में रहकर आत्म स्मृति दिलाने का कार्य करते, लेकिन आज वो भी नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि बाबा जो अंतिम स्थिति हमारी है, वचन से परे हो जाओ बच्चे, इस देह और देह की दुनिया से दूर अपने साइलेंस के वतन में आ जाओ। अभी ये समय आ चुका है जबकि आप सभी बाबा के बच्चे बने। तो धीरे धीरे बाबा ने कहा था कि जो मेरे पीछे बच्चे आएंगे वो मेरे बच्चे पुरुषार्थ में और आगे जाएंगे। जिस पर मैं आपको सुनाऊंगी, हर एक को बाबा ने आगे बढ़ने का बहुत सुंदर अवसर दिया। 14 वर्ष तक इस यज्ञ में बहुत घोर तपस्या हुई और प्यारे बाबा ने, मामा ने और वत्स जिन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया था, 14 वर्ष तक उन्होंने तप किया था। और वो तप था कि मैं आत्मा हूं, ये देह नाशवान है, मैं देह नहीं हूं, मैं कर्म इंद्रियों की स्वामी हूं। इतनी आत्म स्थिति का परिपक्व हो चुका था स्टेज उनकी कि जब वो सेवाओं पर निकले तो सुनाते क्या थे, कई बार उनकी भाषा सिंधी मिक्स होने के कारण समझ नहीं आती थी, लेकिन उनके बोल में ऐसा लगता था कि बहुत शक्ति और बहुत शांति मिल रही है और बहुत अपनेपन की महसूसता होती है। तो प्यारे बाबा ने जब मधुबन में थे उससे पूर्व बता दिया था कि मेरा स्वरूप ज्योति स्वरूप है, केवल मात्र यही था कि मेरा स्वरूप ज्योति स्वरूप है और ज्योति स्वरूप परमात्मा है और मैं आत्मा भी ज्योति स्वरूप हूं, ऐसा समझकर योग लगाते। एक बार क्लास चल रही थी, क्लास के मध्य बाबा ने मुरली रोक करके बच्चों को कहा कि बच्चे आज मैं आपको अपने स्वरूप की पहचान दूंगा। ये ब्रह्मा मुख से शिव बाबा ने स्वयं डायरेक्ट महावाक्य उच्चारण किए। जब बाबा ने ये शब्द उच्चारण किए सब बच्चे आश्चर्य में आ गए, इतने समय से हम योग लगाते आ रहे हैं और बाबा ने हमको बताया मेरा रूप ज्योति है और आज बाबा कहते हैं आज बाप अपने बच्चों को अपने स्वरूप की पहचान दे। तो सभी बच्चे बाबा की तरफ देखने लगे। तब बाबा ने एक बच्ची को कहा जो ऑफिस में बाबा के साथ सहयोग देती थी, जाओ बच्ची, ऑफिस में बाबा की एक डिब्बी होती थी चांदी की जिसमें कुछ पेंसिल्स होती थी जिससे बाबा लेटर लिखता था लाल पेंसिल से, और दूसरी भी पेंसिल थी। तो बाबा ने कहा जो बिल्कुल बारीक नोक वाली पेंसिल हो वो मेरी डिब्बी से निकाल के लाओ और एक प्लेन पेपर लेकर आना, आज बाबा अपने बच्चों को अपनी पहचान देगा। सभी बच्चे बहुत एंग्शियस होकर बैठे हुए थे, मुझे उस समय का दृश्य याद आता है। बाबा ने पेपर हाथ में पकड़ा और पेंसिल आते ही बाबा ने पेंसिल से ऐसे किया, का बच्चे देखना मैं आपको बताता हूं कि मेरा स्वरूप क्या। और बाबा ने उस पेंसिल को पता नहीं छुआ या नहीं छुआ, तब बाबा ने कहा देखा मेरा स्वरूप क्या है।
सभी बच्चे कहने लगे, बाबा ये तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। बाबा ने कहा अच्छा मैं फिर करके दिखाता हूं। उन्हें बाबा ने पेंसिल ली और फिर बाबा धीरे 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 करते करते ऐसे कर दिया। अब बच्चे सब आश्चर्यचकित देख रहे थे कि ये क्या स्वरूप बना, क्योंकि आज तक तो ज्योति स्वरूप ओवल शेप में लाइट का रूप ही होता था और आज बाबा ने ये क्या बनाया। तब बाबा ने शब्दों में उच्चारण किया कि मैं ज्योति बिंदु स्वरूप हूं। ये एक फर्टाइल लाइट है जो इतना बड़ा रूप आप देखते हो, मेरा इतना बड़ा रूप नहीं। अगर इतना बड़ा रूप हो तो ब्रह्मा के मस्तक में कोड़ा निकल आए अगर मैं इसमें प्रवेश करूं तो। इसलिए मेरा रूप चमकता हुआ एक दिव्य बिंदु स्वरूप है। बच्चे कुछ आश्चर्य में हैं, कुछ बाबा की बताई हुई बात को विचार कर रहे हैं। मुझे याद आता है जगदीश प्रहता जिन्होंने सारा साहित्य लिखा है इसी श्री विश्वविद्यालय का, वो उस समय उनके कमरे में गए क्योंकि बाबा के महावाक्य उच्चारण के बाद कुछ बच्चे कमरे में जाते थे जिसे चैम्बर की क्लास कहते थे। लेकिन जगदीश प्रहता जी गए और मेरे को भी मौका मिला, मैं भी साथ चली गई। तो उन्होंने बाबा से पूछा, बाबा आपने आज अपना स्वरूप एक ज्योति बिंदु बताया और आज तक हमारे पास ओवल शेप परमात्मा एक लाइट है, ज्योति है, वही रूप है, तो क्या वो सब चित्र और जो प्लास्टिक के ज्योति बने हुए हैं ये सब समाप्त कर दिए जाए? क्या केवल अभी ज्योति बिंदु ही बनाया जाएगा? बाबा ने कहा नहीं बच्चे, समाप्त नहीं करना है, लेकिन ये जो ओवल शेप चित्र आपका बना हुआ है इसके मध्य एक बिंदु लगा दो, बस केवल मात्र मैं चमकता हुआ सूक्ष्म अति सूक्ष्म दिव्य ज्योति स्वरूप हूं, इन नेत्रों से देखने योग्य नहीं हूं। दिव्य बुद्धि और दिव्य दृष्टि के वरदान से ही मुझे मेरे बच्चे देख सकते हैं। अब जब बाबा ने ये कहा उसके पश्चात जितने चित्र थे सब चित्रों को बदला गया और सबके बीच में एक पॉइंट लगा दिया गया। तब बाबा से कई बच्चों ने शिकायत शुरू की कि बाबा इतना बिंदु स्वरूप है ये तो खिसक जाता है, इसे याद करना हमारे लिए संभव नहीं हो पा रहा। बड़े रूप को याद कर पा रहे थे लेकिन इतना छोटा रूप हम याद नहीं कर पा रहे। बाबा ने फिर कहा अच्छा बच्चे, बाबा तुम्हें सहज करके बताएगा। तब बाबा ने शिव बाबा ओवल शेप बीच में पॉइंट और एक चित्र बनवाया जिसमें आप सबने शायद देखा होगा रेखाएं निकली हुई हैं, किरणें निकली हुई हैं और हर किरण में गुण लिखे हुए हैं बाबा के, जिसे हम 36 किरणों वाला चित्र कहते हैं, जिसमें बाबा ने कहा कि अगर मुझ पिता के गुणों को याद रखते जाओगे तब भी गुणी की याद आएगी, क्योंकि इस गुणी के ही तो ये गुण है। इसलिए बच्चे मैं मुक्ति का दाता हूं, जीवन मुक्ति का दाता हूं, सुख शांति का दाता हूं, शक्ति प्रेम का दाता हूं। तो बाबा के आप 36 किरणों में देखें तो बाबा के जो विशेष विशेष गुण है वो सब गुण लिखे हुए। तो बाबा ने कहा कि इन गुणों को स्मृति में लाते रहो तो किसके गुण है, वो ज्योति स्वरूप बिंदु रूप के गुण है, इस प्रकार मेरे को याद करो। कई बच्चों ने तब भी कहा बाबा अभी भी मुश्किल लगता है, हमें तो सामने साकार ही चाहिए। तब बाबा ने कहा कोई बात नहीं, अगर साकार के सामने बैठकर भी यही याद रखो
कि साकार में वो निराकार ज्योति स्वरूप प्रकृति में वास होकर के हमको दृष्टि देता है, हमको इस मुखारविंद से बोलता है, हमसे बात करता है, हमें आशीर्वाद देता है। लेकिन कौन देता है? ये दिव्य ज्योति स्वरूप देता है, ये बिंदु रूप देता है। अगर बच्चों को ये भी स्मृति रहे तो ये भी बच्चे योग है। तो मेरा ये कहने का भाव है कि 14 वर्ष तक केवल मात्र एक बड़े रूप पर बाबा ने ठहराया, लेकिन धीरे धीरे बाबा अपने ओरिजिनल स्वरूप पर लाए कि ये है मेरा ओरिजिनल रूप। तो जो पीछे बच्चे आए उनको डायरेक्ट ओरिजिनल स्वरूप को ही सामने रखना हुआ, और उस प्रकार बाबा से योग युक्त होने में उनको कोई कठिनाई नहीं हुई। इसलिए बाबा कहते हैं तुम मजबूत बने रहो, तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाने की जिम्मेवारी मेरी है। अगर तुम दृढ़ हो, तुम अपनी स्थिति में अडोल हो, तुम निश्चयात्मक होकर चलते हो, तो मैं सदा तुम्हारा साथी बन के चलता, क्योंकि मैंने जहां तक देखा इस ईश्वरी विश्वविद्यालय में सबसे बड़ा सब्जेक्ट है निश्चय बुद्धि। ज्ञान में बहुत चलते हैं, लेकिन जब तक निश्चय नहीं है ज्ञान देने वाला कौन है, और जिस माध्यम से वो ज्ञान दे रहा है वो माध्यम कौन है। दोनों का निश्चय चाहिए, एक का निश्चय नहीं चाहिए। कई कहते हैं हमको शिव बाबा का तो निश्चय हो गया, लेकिन ब्रह्मा बाबा का नहीं हुआ। इसी द्वारा ही बाबा ज्ञान सुना सकते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे अगर इसी का निश्चय नहीं तो ज्ञान सागर का निश्चय कहां से आया। निश्चय दोनों का चाहिए। जिसको बाबा ने कहा था निश्चय बुद्धि बच्चों की दो निशानियां धीरे धीरे प्रकट होती जाएगी, और कौन सी दो निशानियां होगी? वो सदा निश्चिंत रहेंगे, क्योंकि उन्हें ये मालूम है कि जीवन का साथी और सच्चा सहारा मेरा वो सर्वशक्तिवान प्यारा पिता है। उसके आधार से अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। और दूसरी बात, निश्चित है जो कुछ घटना घट रही है वो ड्रामा में निश्चित है। घटना घटने से पूर्व हमें नहीं मालूम कि क्या घटना घटने वाली है या इस कर्म का परिणाम क्या निकलेगा, लेकिन जब परिणाम सामने आता है तो अवस्था अडोल हो जाती है कि यही ड्रामा में घटना घटनी थी, वही घटना घटी। तो बाबा ने कहा जो निश्चय बुद्धि बच्चे होते हैं उनकी दो निशानियां प्रकट होती जाती। पहली निशानी, निश्चिंत रहते हैं, उनको चिंता नहीं रहती है, क्योंकि उन्हें मालूम है ये चढ़ती कला का समय है। कुछ हिसाब किताब हमें चुप्पु करने हैं और कुछ भविष्य के लिए हमको श्रेष्ठ खाता जमा करना है। ये उनको सब निश्चय होने के कारण सदा निश्चिंत रहते हैं। और दूसरी बात, निश्चित है ड्रामा बड़ा निश्चित है, लेकिन कर्म करने से पहले मुझे मालूम नहीं है, इसलिए कर्म फुल विश्वास से हम करते हैं। जितना हो सकता है प्यारे बाबा को साथ लेकर करते हैं, अपनी मनस्थिति को परिपक्व करके करते हैं, और जब परिणाम निकल आता है तो एकदम लाइट होते हैं कि यही निकलना था सो निकल आया, बस पूरा हुआ। ऐसा नहीं कि मैंने तो बड़ी मेहनत से किया, बहुत ऐसा किया, लेकिन इतना सब करने पर परिणाम तो ठीक नहीं निकला। परिणाम जो निकलना था वही निकला है, आपने जो किया वो ठीक किया है, लेकिन आपके हिसाब किताब का जो खाता था वो इस समय चुप्त होने का टाइम था, इसलिए उस खाते ने चुप्त होना था। कभी परेशान नहीं हो जाइए, अशांत ना हो जाए। तो बाबा ने कहा कई बच्चे मेरे ज्ञान में चलते हैं, निश्चय बुद्धि होकर नहीं चलते, निश्चिंत नहीं रहते हैं, छोटी छोटी बात की चिंता लगा लेते हैं। ठीक है, पुरुषार्थ है, एकदम निश्चिंत नहीं होंगे,
कोई ना कोई घटनाएं उन्हें हिलाने की कोशिश करेगी, लेकिन जितना जितना मुझ पिता का साथ होगा, मेरा संग होगा, मेरे से कनेक्शन जुटा हुआ होगा, मेरे बच्चों में ये विशेषताएं स्वतः ही आती चली जाएगी और उनका जीवन खुशनुमा सुखनुमा बनता चला जाएगा। इस पर मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ कि निश्चय कैसे दोनों का होना बहुत जरूरी है। शिव बाबा का भी निश्चय हो, ब्रह्मा बाबा का भी निश्चय हो, जिस द्वारा उन्होंने हमको ज्ञान सुनाया, कैसे वो प्रथम आत्मा अपने अंतिम 84वें जन्म में जब पहुंची, उसी तन में स्वयं सर्व समर्थ सर्वशक्तिवान ने प्रवेश किया, ज्ञान सुनाया, उस आत्मा ने भी सुनकर नंबर 1 पुरुषार्थ कर पुनः प्रथम पद प्राप्त किया और हम नंबर 1 पुरुषार्थ कर प्राप्त करते हैं अपना अपना पद। तो मैं आपको एक एग्जांपल दे रही थी, शायद कभी किसी ने सुना होगा। हम बॉम्बे, बाबा बॉम्बे में गए हुए थे, तो हम बाबा के पास लगभग एक मास के लिए बॉम्बे में गई और बाबा ने, हम 3 कन्याएं थी जिनको विशेष बुलाया था, क्या वो बच्चे बाबा बॉम्बे आया हुआ है और तुम बच्चों को भी सारे बॉम्बे घुमाएगा और आ जाओ। हमें घर से बंधन था लेकिन एक निश्चय था कि जब मुझे भगवान ने साकार तन द्वारा बुलाया है तो कौन बंधन डाल सकता है, कितना भी बंधन डलेगा, लेकिन दाता के आगमन पर दाता का निश्चय करना लोगों के लिए मुश्किल है और उस प्रभु ने मुझे बुलाया, मुझे कौन मना करे। बहुत मना हुआ लेकिन आखिर छुट्टी मिल गई और मैं बाबा के साथ बॉम्बे में एक मास रहने का मुझे साकार बाबा के साथ बड़ा अच्छा सौभाग्य मिला। तो बाबा प्रातः सैर करने के लिए क्लास से पूर्व मॉर्निंग वॉक के लिए जाते थे, 2 गाड़ियां जाती थी, उसमें 2 पीछे या 3 पीछे, एक बाबा आगे बैठते थे और एक गाड़ी में भाई बहन बैठते थे। इस प्रकार जो तैयार सुबह सुबह हो जाता था वो बाबा के साथ चल देता। तो बाबा हमको वैसे कहीं ना कहीं सेवा पर भेजते थे। कुछ ऐसी आत्माएं जो कभी सिंध देश की रहने वाली थी और संपर्क और संबंध वाली थी लेकिन उन्होंने बाबा से ज्ञान नहीं सुना, तब बाबा हमको बताते थे जाओ उनके पास और उनको जाके मिलो और ईश्वरीय पैगाम दो। बाबा कहते थे आप छोटी छोटी कन्याएं, क्योंकि उस समय की बातें हैं, 60 साल से भी पहले की बातें हैं, जब आप बच्चे जाकर उनको पैगाम देंगे तो वो आपके द्वारा सुनेंगे कि क्या सुनाते। लेकिन बाबा हमको जो सिखाते थे हम वही का वही जाकर रटा हुआ सुना देते थे। हाँ ठीक है, निश्चय है बाबा हमको सुना रहे हैं, लेकिन जो सुनाया वही हम सुना आते थे और बाबा हमको बहुत जगहों पर सेवा तो भेजते थे। तो बगीचे में, वहां 2 बगीचे थे बॉम्बे में जहां जाते थे हम, एक हैंगिंग गार्डन कहलाता था, एक नेहरू गार्डन। तो आमने सामने वो बाग थे, तो कभी बाबा हैंगिंग गार्डन में ले जाते थे, कभी नेहरू गार्डन में ले जाते थे। तो एक बार मैंने देखा एक व्यक्ति था, तो वो लोटी पानी के हाथ में पकड़े हुए सूर्य को जल दे रहा, क्योंकि भारतवर्ष में सूर्य को भी भगवान समझते, भगवान विष्णु का रूप है, उनकी भी पूजा करते हैं। तो मुझे उस व्यक्ति को देखकर बड़ा तरस आया, मुझे ऐसा आया कि ज्ञान सूर्य तो इस तन में हम बच्चों को ज्ञान सुना रहा है और ये व्यक्ति उस सूर्य को भगवान समझकर उन्हें जल की लोटी चढ़ा रहा है और पूजा कर रहा है। तो मैंने बाबा को पूछ लिया, मैंने कहा बाबा मैं इस व्यक्ति को जाकर के ज्ञान सुनाऊं,
बाबा ने बड़े प्यार से मेरी तरफ देखा और देखकर कहा, बच्चे रहने दो। वैसे तो बाबा हमको जहां तहां भेजते थे सुनाने के लिए, लेकिन इस व्यक्ति के लिए बाबा ने कह दिया रहने दो। तो जब बाबा ने कहा रहने दो तो हमने रहने दिया, लेकिन मनुष्य बुद्धि है फिर उसकी तरफ जाती है कि देखो सूर्य को पूजा कर रहा है और ज्ञान सूर्य अपने बच्चों को यहाँ ज्ञान सुना रहा है। क्योंकि मुरली से पूर्व बाबा हम बच्चों को बहुत महावाक्य बगीचे में सुनाते थे। मैं समझती हूँ शायद 2 या 3 दिन अभी हुए होंगे, वो व्यक्ति जो सूर्य को रोटी चढ़ा रहे थे, मेरा ध्यान हमेशा उनकी तरफ जाता था, हालांकि वो काफी दूर खड़े थे। उन्होंने क्या देखा, मैंने 2-3 दिन के तीसरा ही दिन था तो लोटी जहां खड़े थे वहीं रखी और बड़े तेजी के कदमों से वो बाबा की तरफ बढ़कर आए। और जब बाबा के पास आए तो बाबा के चरणों पर गिर गए। बाबा ने उन्हें कंधा से उठाया, उठा के अपने गले लगाया। बड़ा भाग्यवान है बच्चा। और उसके आंसू आ रहे थे, जैसे किसी की आवाज आती है कि इसको रोना आ रहा है, तो बाबा ने उसकी गर्दन को ऐसे अपने मुंह की तरफ किया और अपने पॉकेट से रुमाल निकाला और उस बच्चे की आंखें पोंछ दी। जब आंखें पोंछी तो स्वाभाविक है कि उसने बाबा की तरफ देखा। देखा तो जरूर है, ये तो बुजुर्ग बाबा है कोई। चला गया वो। अब आया भी सही, गिरा भी सही, रोया भी सही और बाबा ने गले भी लगाया और ये चला भी गया। तो टाइम हमारा भी बगीचे से बाहर निकलने का हो गया था, उनका भी समय हो गया होगा, या हुआ या नहीं हुआ उनका हमें नहीं मालूम। परंतु बाबा ने एक बच्चे को कहा कि बच्चे तुम रुक जाओ और इस बच्चे से पूछ कर आना कि ये बच्चा बाबा के चरणों पर क्यों गिरा और इसको आंसू क्यों आए। बच्चा रुक गया, सारी बातचीत करके वापस जब आया तो उसने आके बाबा को सुनाया, बाबा मैंने उससे बात की, वो कहता है कि मैं बहुत समय से विष्णु भगवान का उपासक रहा, मैंने बहुत उनकी पूजा की है, मुझे मेरे विष्णु भगवान के दर्शन हुए और जब मुझे इनसे इनके रूप में विष्णु भगवान के दर्शन हुए तो मैं दर्शन प्राप्त करके बड़ा गदगद हो गया, चरणों पर गिरा और मेरे आंखों से आंसू निकलने लगे। तब तो उस भाई ने कहा कि जिनको आपने विष्णु रूप में दर्शन किए वो फला फला स्थान पर ज्ञान सुनाते हैं, आप आओ और आकर के आप ज्ञान सुनो। देखो उसने क्या उत्तर दिया आगे से। वो कहते हैं मुझे ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, मुझे मेरे भगवान के दर्शन चाहिए थे, बस मुझे दर्शन हो गए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कारण क्या हुआ कि उसकी भक्ति में आस्था थी और विष्णु को ही भगवान समझते थे, और जब बाबा से उसको विष्णु रूप का साक्षात्कार हुआ तो उसे लगा मैंने अपना इष्ट देखा। लेकिन जब वो इष्ट का साक्षात्कार पूरा हुआ और उसने बाबा का मुखड़ा देखा तो देखा, अरे ये तो कोई और है, मेरा इष्ट तो नहीं है, तो चला गया। अब कारण यही है, अगर उसको ज्ञान होता कि ये वो आत्मा है जो प्रथम श्री नारायण के स्वरूप में थी, विष्णु रूप थी, और ये अंतिम 84वें जन्म में सुधारण रूप बनी और इसी तन में स्वयं सर्व समर्थ परमात्मा आकर ज्ञान सुना रहे हैं और मुझे मेरे इष्ट का साक्षात्कार हो रहा है, तो कभी बाबा को छोड़ता नहीं। लेकिन उसे मालूम नहीं, नॉलेज ही नहीं। इसलिए कई बच्चे कहते हैं
कि कईयों को बहुत साक्षात्कार होते हैं इस ईश्वरी विश्वविद्यालय में, क्योंकि प्रारंभ में बहुत साक्षात्कार होते थे। अभी हमको भी साक्षात्कार थोड़ा सा हो जाए तो शायद हमारा विश्वास या निश्चय बढ़ जाए, लेकिन देखने में आया है कितना भी साक्षात्कार हो जाए, बिना नॉलेज के साक्षात्कार से प्राणी लाभान्वित नहीं हो सकता। साक्षात्कार से उसे संतुष्टि होती है, जिस इष्ट को मानता हूं मैंने उस इष्ट के दर्शन कर लिए, लेकिन परमात्मा कौन है उसको पहचानना और उनके साथ संबंध जोड़कर उस ईश्वर की मलकियत का मालिक बनना, ये उस आत्मा के लिए संभव नहीं हो सकता। इसलिए बाबा कहता है, ज्ञानी तू आत्मा है मेरी, जिसने ज्ञान से मुझे समझा है या मुझे जाना है। बिना ज्ञान से अगर कोई साक्षात्कार हो भी जाता है तो साक्षात्कार से कोई फायदा नहीं है। जिससे आपको अभी मालूम भी होगा कि वर्तमान समय साक्षात्कार का जैसे कि समय पूरा हो गया। हाँ, कुछ पुरातन रतन है जिनको अभी भी साक्षात्कार का होता है, लेकिन पहले बहुत साक्षात्कार होते थे। बाबा ने फिर कहा कि जिस समय एग्जामिनेशन नजदीक आते हैं, फाइनल एग्जामिनेशन, तो फाइनल के समय पर खेल का पीरियड स्टॉप कर दिया जाता है कि अभी सीरियसली पढ़ाई पढ़नी होगी। तो बाबा ने कहा कि ये भी साक्षात्कार भी एक प्रकार का खेल पाली था, इसलिए ये खेल पाल का पीरियड पूरा हुआ, अब पढ़ाई पर अटेंशन देना है। तो आप उस समय ज्ञान में आए हो जब पढ़ाई का पीरियड चल रहा है, सीरियसली पढ़ाई पढ़ करके अपने जीवन को स्वरूप बनाना। और मैं अपने को कहूंगी, मैं उस समय आई थी जब साक्षात्कार का बहुत रोल चलता था, बहुत साक्षात्कार होते थे। मुझे नहीं कभी हुआ, लेकिन मैंने अनुभव अवश्य किया। देखिए, साक्षात्कार जिनको होते थे वैरायटी, वो बहुत ही सुंदर साक्षात्कार। दीपावली होती थी तो कई हमसे पूछते हैं, क्या उस समय भी बाबा आज जैसे दीपावली सेंटर्स में मनाते हैं, कैसे मनाते थे? मैंने कहा, अरे अब क्या मनानी है दीपावली, अब तो बस भोग लगा लिया, दीपक जला लिया, मुबारक कह दी। उस समय की दिवाली ही अपनी निराली थी। क्या निराली दिवाली थी, क्योंकि बहुत से भाई बहने दिव्य साक्षात्कार का जिनको वरदान था। तो मुझे याद आता है कमला नगर सेवा केंद्र, जिसमें मैं प्रारंभ से रही, और वो बिल्डिंग शिफ्ट होकर अब शक्ति नगर में आई, जहां से अब मैं आपसे बात कर रही। कमला नगर माउंट आबू का फर्स्ट ब्रांच है जो माउंट आबू के बाद खुली थी, वो रेंटेड बिल्डिंग थी, अब ये बिल्डिंग ली गई थी। तो यहाँ पर शिफ्ट हुई थी वो बिल्डिंग, और पहले गुलजार दादी जी, जो बाबा का रथ रही हृदय मोहिनी जी, वो भी वहां रहते थे, और जगदीश ब्रादर जी भी वहीं रहते थे, और मैं भी उनके साथ ही रहती थी। बहुत दिव्य साक्षात्कार के वरदान जब प्राप्त होते थे, तो दीपावली का दिन होता था, सब घर में 9 बजे तक दिवाली का त्योहार अपने बच्चों से घर वालों से मना करके सब सेंटर में चले आते थे। क्यों चले आते थे? क्योंकि अभी साक्षात्कार द्वारा कैसे बाबा लक्ष्मी नारायण को संदेशी के तन में भेजते हैं, और किस प्रकार उनके साथ हम सब दिवाली का त्योहार मनाते हैं। बहुत सुंदर सजावट करते थे लक्ष्मी नारायण के लिए सजावट। आपको मालूम नहीं होगा शायद, जब शुरू में यज्ञ की स्थापना थी तो इस प्रकार देवी देवताओं का संदेशियों के तन में सूक्ष्म रूप आवाहन होता था, और वो आत्माएं जैसे कि इमर्ज होती थी उनके तन में, और कई कई दिन पहले तैयारियां शुरू हो जाती थी कि देवताओं ने आना है, उनका आवाहन कैसे किया जाएगा, उनका स्वागत कैसे किया जाएगा, उनको सजावट कैसे की जाएगी।
क्योंकि साकार ब्रह्मा बाबा ने एक बार संदेशी को कहा था कि बाबा को कहना कि जो बच्चे साक्षात्कार में जाते हैं वो तो साक्षात्कार में वतन को बहुत सुंदर रूप से देख कर आते और आकर वर्णन करते, लेकिन जो बच्चे नहीं जाते हैं वे उस वतन का अनुभव यहाँ साकार में कैसे करें। तब बाबा ने ये यज्ञ की बात मैं सुना रही हूँ प्रारंभ की, तब बाबा ने कहा था कि बच्चे बाबा ये दृश्य यहाँ साकार में इमर्ज करेगा। उस समय की बात सुनाती हूँ कि जब आलमेटी बाबा संदेशी द्वारा ब्रह्मा बाबा को संदेश दे देते थे कि फलां दिन ये श्री लक्ष्मी और श्री नारायण आएंगे, अब उनके आभगत के लिए आपको जो कुछ करना हो तैयारी करना। तो उस समय कोई इतनी ज्वेलरी तो पड़ी नहीं थी कि ज्वेलरी से सजा लेने, तो उस समय क्या आप दादियां सुनाती हैं हमारी कि जुगनू होते हैं, तो जुगनू आपको मालूम है वो बगीचे में जो रात को टिम टिम करते हैं लाइट देते हैं, तो छोटी छोटी थैली छेद करके बनाते थे छोटी छोटी, उसके अंदर जुगनू डालते जाते थे, एक एक जुगनू वाली थैली को बांध के एक गले की माला तैयार हो जाती थी। ऐसे जुगनू बांध के ये यहाँ की माला तैयार हो गई, कानों के बुंदे तैयार हो गए, हाथों के बैंगल्स चूड़ियां तैयार हो गई जुगनू की। अब आप सोचो जब रात अंधेरा कर देते थे और ये देवता आते उनको सब सजा देते थे, और जब अंधेरा होता था तो वो क्या हीरों के जवाहरात तो उनके चमक रहे होते थे। इस प्रकार बाबा दृश्य एक इमर्ज करते थे कि कैसे सत्य की दुनिया होगी, और उस समय उनका आना उनका चलना ये चीजें तो मैंने भी अपने टाइम पर देखी हैं, कैसे वो देवताएं आते हैं, किस प्रकार वो बैठते हैं, कैसे वो देखते हैं प्यार से, किस प्रकार वो चलते हैं, और अतिथि सत्कार जब उनका किया जाता है कैसे हर एक को दृष्टि देखते हुए चलते हैं आगे, बहुत प्यारा। तो बाबा ने ये जो दृश्य थे उस समय दिव्य साक्षात्कार में भी बच्चों को दिखाए थे। लेकिन अब आप तो सब उस टाइम आए हो जबकि फाइनल एग्जामिनेशन के टाइम बिल्कुल आ चुका है और इस समय पढ़ाई पर ही पूरा अटेंशन देना है। हाँ, खाली भोग लगाते हैं सतगुरुवार को, पहले भोग का टाइम भी हमारा 12 बजे का टाइम होता था कि भोग थोड़ी सुबह सुबह लग जाएगा, 12 बजे बाबा को भोग लगाएंगे। तो कई ऑफिस वाले शॉप्स वाले भी टाइम निकाल के भी भोग पर पहुंच जाते थे, माताएं भी अपने घर का काम करके जल्दी जल्दी 12 बजे पहुंच जाती थी, भोग लगना है 4 बज जाते थे। कैसे देवताओं का वाहन होता था, किस प्रकार बाबा भोग स्वीकार करते थे, बहुत सुंदर दृश्य होता था। मैं आपको एक बात करते करते मुझे अपना एक अनुभव याद आ रहा है। तो एक बार क्योंकि हम पहला सेवा केंद्र ये होने के कारण बहुत से बहन और भाई थे जिनको दिव्य साक्षात्कार का वरदान प्राप्त, और बहुत साक्षात्कार में वो हमारे मैसेजेस बाबा के पास ले जाते थे और बाबा से उत्तर लेकर आते थे। साक्षात्कार में जब भोग लगाने जाते थे तब भी मान लीजिए आज मैं बाबा को भोग लगा रही हूं, मैं कहती हूँ आज मेरी तरफ से जो कुछ बनेगा मैं बनवाऊंगी भी, मैं करूंगी सब कुछ, तो बड़े प्यार से भोग लगाते थे और फिर बाबा को संदेशी हमारा संदेश भी देती थी और संदेशी संदेश लेकर भी आती थी और सबको सुनाती थी, बड़े इच्छुक रहते थे आज देखें बाबा हमको क्या कहेगा। तो एक बार की बात है कि अचानक संदेशी आई नहीं, क्योंकि संदेशियां तो बहुत थी परंतु सेवा केंद्र दिल्ली में खुलने शुरू हो गए तो हर एक कहता था अपने संदेशी हमारे पास भेजो, अपने संदेशी हमारे पास भेजो। तो उन संदेशियों को हम कई सेवा केंद्रों पर भेजते थे भोग लगाने के लिए जहां पर नहीं होती थी कोई संदेशी। तो एक दिन अचानक ऐसा हुआ कि क्लास में कोई संदेशी आई ही नहीं, सब इधर उधर चली गई।
अब भोग कैसे लगाएंगे? तो सबने कहा, दीदी अभी भोग तो आपको ही लगाना पड़ेगा, संदेशी तो नहीं आई है। स्वाभाविक है, जो निमित्त होगी बहन अब उसी को ही लगाना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है, मैं बाबा को भोग लगाती हूँ। तो मैं स्टेज पर बैठ गई तो समय गीत चलता है, चल उड़ जा ये पंछी अब ये देश हुआ बेगाना। तो मैंने इतनी लाइन सुनी तो मैं मन ही मन बाबा को कहने लगी, बाबा मैं तो कभी भी आपको भोग लगाने नहीं आई हूँ, क्योंकि यहाँ हमेशा संदेशियां ही भोग लगाती हैं और आपसे मैसेज ले आती हैं और ले जाती हैं, लेकिन मैं आपको भोग कैसे लगाऊं, मुझे तो भोग लगाना भी नहीं आता है। इतना ही मैं बाबा से कह रही थी कि जैसे मुझे बाबा का रिस्पॉन्स को, ये नहीं मेरे सामने कोई चित्र आया या बाबा आया या मैं कहीं गई, लेकिन जैसे रिस्पॉन्स मिल रहा है, रिस्पॉन्स में आता है कि बच्ची ये तुम किसको कह रही हो कि मैंने तो कभी भोग लगाया नहीं, मुझे भोग लगाना नहीं आता, किसको कह रही? मैं फिर मन ही मन कहती हूँ, बाबा आपको कह रही हूँ। तब बाबा का फिर मुझे रिस्पॉन्स मिलता है। अब गीत चल रहे हैं, मुझे नहीं मालूम क्या गीत चल रहा है, कितना गीत चल रहा है, मैं उसकी तरफ मेरा बिल्कुल अटेंशन नहीं, मैं बाबा से ही जैसे बातचीत लगी हूँ, मन से ही, कोई ये नहीं है मैं कोई साक्षात्कार में गई, लेकिन मैं बाबा को कहती हूँ, बाबा मैं कभी आई नहीं। तो बाबा ने कहा किसको कहती है? कहा आपको। तो बाबा ने कहा जब तुम ये कह सकती हो कि मैंने कभी भोग नहीं लगाया और मैं भोग लगाना नहीं जानती, तो तुम ये भी तो कह सकती हो कि बाबा मैं भोग लेकर आई हूं, मेरा भोग स्वीकार कीजिए, ये भी तो कह सकती। मैंने कहा जी बाबा ये भी कह सकती हूँ। तो कहा बस यही कह दो। तो मैंने कहा ये तो अच्छी बात है, मैं ऐसे कह के आपको भोग लगा देती हूँ। तो मैंने ऐसे ही कह दिया और कह के मुझे आया कि मेरा भोग लग गया। तो जैसे संदेशी वापस आती थोड़ा हिलती है, तो मैं भी थोड़ा हिली क्या मेरा लग गया भोग। तो फिर मुझे एकदम संकल्प आता है कि संदेशी तो जब वापस आती है तो कोई ना कोई संदेश लेकर आती और वो सबको सुनाती है, तो सब मेरे को कहेंगे अच्छा दीदी आप संदेश क्या लाए, तो वो मैं क्या सुनाऊंगी। मैं फिर बैठी रही, फिर मैं बाबा से मन ही मन फिर बोली, बाबा संदेशी तो संदेश लेकर आती है, मैं क्या सुनाऊंगी जाकर, सब मेरे से पूछेंगे क्या संदेश है आज का। तब फिर मेरे को बाबा का रिस्पॉन्स आता है, देखिए ये कोई साक्षात्कार नहीं है, ये लिंक बनाया हुआ है, मैं बाबा से बातचीत मन ही मन कर रही हूँ, आप भी करके देखना। तो बाबा का मुझे फिर रिस्पॉन्स आता है, जैसे आज आपने मुझे भोग लगाया है ऐसे सबको भोग लगाने की कला सिखाना, यही आज का तुम बच्चों के लिए संदेश। तो मैंने सोचा अब तो संदेश भी मिल गया, तो मैं वापिस आ गई। तो जो ही वापिस आती हूँ थोड़ा हिलती हूँ तो मेरे आगे माइक रख देते हैं। अब माइक रखा है तो मुझे कुछ बोलना है, तो मैंने अपना जो अनुभव है वो मैंने अनुभव सुना दिया। तो मैं आज आपको भी सुना रही हूँ, क्योंकि बाबा ने कहा था कि ये मेरा अनुभव तुम सबको सुनाना, तो सब में हो सकता है आप भी ऐड हो। इसलिए कभी भी भोग लगता है तो एक समय था जबकि संदेशियां ट्रांस में जाकर के साक्षात्कार में भोग लगाती थी, आज हम बाबा को जब याद करते हैं तो बाबा के साथ हम मन और बुद्धि का लिंक जोड़ते। तो जब हम बाबा से मन और बुद्धि का लिंक जोड़ते हैं तो लिंक जोड़ के हम अपने मन की भावनाएं क्या ईश्वर को अर्पित नहीं कर सकते? अगर मुझे दृश्य दिखाई नहीं दे रहा तो बाबा कहते हैं ये चरम चक्षु तो देखेंगे भी नहीं, ये तो दिव्य बुद्धि द्वारा ही इन चीजों को अनुभव करना होता है। कई बच्चे हैं जिनको दिव्य साक्षात्कार का वरदान प्राप्त है और कई बच्चे हैं जिनको दिव्य दृष्टि का वरदान प्राप्त है, और कई बच्चे जिनको दिव्य साक्षात्कार और दिव्य दृष्टि
दोनों ही वरदान प्राप्त, इसलिए हम ऐसा कहेंगे हमें दिव्य बुद्धि का वरदान प्राप्त है, तो हम ज्ञान के आधार से बुद्धि बल से बाबा को भोग भी लगाते हैं और बाबा को अपने मन की भावनाएं भी स्वीकार कराते हैं बड़े प्यार से। कई बार कई ले आते हैं ऐसा फल जो घर पड़ा हुआ है, चलो जी नहीं खाया जाता, ले जाओ यज्ञ नहीं, अरे भगवान को भोग लगने जा रहा है, ज्यादा ना सही एक फल ही अर्पित कर दीजिए, लेकिन कीजिए तो ऐसा जो प्रभु स्वीकार तो करे, पहले मेरी भावना भी तो इतनी चाहिए, मन की श्रेष्ठ भावना ही मेरा साधन बनता है मुझे दाता तक पहुंचाने का। अगर मेरी भावना ही श्रेष्ठ नहीं होगी तो मैं दाता तक कैसे पहुंच करके उसको अपने मन की भावनाएं दे सकती हूँ। तो इस समय हम बच्चों का जो स्वयं सर्वशक्तिवान ने हमें अपनी पहचान दी, हमें इसमें कभी शंका नहीं आना चाहिए कि परमात्मा कौन है। आज बहुत बाबा के बच्चे हैं, सुनते जरूर हैं, समझते कम है, समझते हैं तो प्रैक्टिकल में पूर्ण व्यवहार में उसे नहीं लाते। और बाबा का हम बच्चों को ये आदेश है कि मैं जो आप बच्चों को कहता हूं उसे सुनो, समझो और उसको प्रैक्टिकल जीवन में लाओ, तो आप बाबा के नूरे रतन हैं। चाहे आप ऑनलाइन ज्ञान सुन करके ज्ञानवान बन रहे हैं, या कभी सेवा केंद्र में जाकर आपने ज्ञान सुना, आज ऑनलाइन बैठे हैं, किस भी रूप से, लेकिन आप हैं तो बाबा के, आत्माएं हैं ईश्वर की। दाता कहता है आप मुझे भूल गए हो, मैं आपको नहीं भूला। कहते भी हैं माता को माता बन, पुत्र को पोत बन सकता है, माता को माता नहीं बन सकती, पोत का पोत बन सकता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे भूल सकते हैं, माता पिता कभी नहीं भूल सकता है। इसलिए ऐसे माता पिता के आप बच्चे हो जो बाबा से संबंध जुड़े हुए हो। मैं समझती हूँ इन्होंने कहा था ज्यादा टाइम, मैंने कहा था मैं एक घंटा ही दूंगी, वैसे इस समय हमारी क्लास होती है तो मॉर्निंग नीचे क्लास चल रही है। मैंने दूसरी बहन को बुलाया आज के लिए आप क्लास करा लीजिए, मैं आज दूर देशी अपने बाबा के बच्चों को टेबल पर बिठा करके ज्ञान सुनाने का काम करूंगी। मैं आप सब नीचे वालों को तो स्टेज पर बैठती और वो सामने बैठते हैं, और आप सब तो बिल्कुल मेज पर बैठ गए और मैं कुर्सी पर बैठ गई। सच में ऐसा ही मुझे लग रहा है, क्या मुझे दिल तो चाहता है मैं आपको भोग खिलाऊं, टोडी खिलाऊं, लेकिन आप ये बताओ ऐसे ही खिला दूं, आप कहेंगे ये तो दिखावा कर दिया दीदी ने। दिल तो ऐसा ही कर रहा है, क्योंकि बाबा कई बार बड़े प्यार मिलाते थे कोई चीज, तो बाबा कहते थे मेरा दिल करता है मैं बच्चों को अपने हाथों से खिलाऊं, तो अपने हाथों से हम बच्चों को अपने हमारे मुख में डालते थे, तो मेरा भी ऐसा ही दिल कर रहा है। चलो भाई आप प्यार से बाबा के सम्मुख बैठ करके आज जरूर कुछ ना कुछ टोली खाना बाबा आपको प्यार से खिलाएगा। तो ऐसे बाबा के लाडले बच्चे सदा ही लाडों से चलने वाले, प्यार करते रहो, प्रभु प्यार को प्राप्त करो। ये प्यार ऐसा है जो आपको सबको प्यार देने के योग्य बना, ठीक है। ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू सो मच दीदी, दिल से दिव्यता से दीदी को विदाई देंगे, अपने हाथों से दिव्यता से दीदी को थैंक यू करेंगे, है ना। दीदी ने जो सुनाया हम सबको, उनका हम स्वरूप बनेंगे। दीदी ने सुनाया हमारा पापा के प्रति कितना ना प्यार बढ़ा, सो हम दिल से दीदी को थैंक यू कहते हैं, ना। और अभी हम आधा घंटा योग करेंगे, दीदी को प्यार से विदाई देंगे, दीदी को क्लास में जाना है, तो आप सब बैठेंगे और आधा घंटा हम योग करेंगे, ठीक है। शांति, ओम शांति दीदी। थैंक यू दीदी, थैंक यू दीदी, थैंक यू बाबा, थैंक यू।